वहीं माले विधायक विनोद सिंह ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के समापन पर कहा कि सरकार गंभीरता पूर्वक स्थानीयता को तय करे और नियुक्तियों के वादे को पूरा करे। उन्होंने कहा कि जो भी वैकेंसी हो उस पर उम्र सीमा में छूट दी जाए। जो सत्र चला इसपे राज्य के जो मूल मुद्दे थे, जनहित के मुद्दे थे, उन पर कितनी चर्चा हुई, कितना सार्थक रहा यह सत्र? देखिए, पूरे एक महीने तक सत्र चला है और कई सारे किंतु परंतु कई सारे सवाल आए हैं और कई सारों में सरकार ने जवाब दिया है। तो हमारी उम्मीद तो यही रहेगी हम सबकी, कम से कम जिन जिन सवालों में सरकार ने सदन ने स्वीकार किया है कि हम उसको देखेंगे, गंभीरतापूर्वक करेंगे, तो वो चीज़ों में प्राथमिकता होना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज़्यादा देखेगा लब्बो लगाबी सत्र में, दो ही सवाल घूम फिर करके लगातार आ रहे थे। एक तो राज्य के स्थानीय वासियों के लिए, राज्य के नागरिकों के हित में जो स्थानीय नीति बने, तो सरकार को उस पर गंभीर होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री ने कहा कल अपने भाषण में कि हम इसके लिए गंभीर हैं, तो गंभीरता सिर्फ ये में नहीं, वो दिखना चाहिए व्यवहार में। और इसलिए अभी जो नियुक्ति नियमावली है उससे राज्य के छात्र युवा, राज्य के कोई भी इस राज्य के जो वासियों संतुष्ट नहीं है। इसलिए कम से कम नीति और नियमावली में सरकार जो कहा कि कमेटी बनाएंगे उस पर तो चेंज करें। और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई लोगों की नियुक्तियाँ, सरकार ने कहा कि भाई हम 26,000 के आसपास नियुक्तियाँ अभी अप्रैल महीने में निकालेंगे, तो नियुक्तियाँ निकाले सरकार सबसे बेहतर। तीसरी चीज़ है कि दो साल नियुक्तियाँ नहीं हुई, बल्कि जो परीक्षाएं लोग दे रहे थे, बल्कि आज तो उत्पाद सिपाही का डेट भी खत्म हो रहा है, कोविड के वजह से नहीं हुई। तो जो भी नियुक्तियाँ निकले उसमें लोगों को उम्र की छूट जो है दिया जाना चाहिए, और अभी तो उत्पाद वाले सिपाही वाले में तुरंत दिया जाना चाहिए। और तीसरा, जो अनुबंध कर्मी तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं पिछले दिनों, चाहे पोषण सखी का मामला हो, पुलिस कर्मियों के भत्ता का मामला रहा हो, उनके क्षतिपूर्ति अवकाश हो, जिसके मामले में सरकार ने जो है सदन में आश्वासन दिया है कि हम ये करेंगे, उन चीज़ों पे करें। और जस सत्र खत्म होने के बाद सरकार पंचायत चुनाव की तैयारी करे, क्योंकि लोग पंचायत चुनाव चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर सत्र के दौरान चर्चा हुई, चाहे 1932 खतियान, स्थानीयता, नियमावली या फिर भाषा विवाद, लेकिन समाधान की ओर कदम बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इसीलिए तो हमने कहे कि कम से कम दो तीन चीजों के बारे में जो सरकार ने कमिटमेंट किया है, नियुक्तियों के बारे में वो करे, राज्य के नियुक्ति नियमावली के बारे में सुधार करे, पंचायत चुनाव कराए, इन चीजों की उम्मीद रहे। दुर्घटना सामने आई है साहिबगंज में, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत दुखद है, कोई भी दुर्घटना लगातार हुई, और सबसे बड़ी वजह है कि अभी भी उन तमाम जगहों पे जहां पर लोग हैं, वो चाहे पिछले दिनों शुरुआत सत्र की हुई और बारबिंदिया में हुआ, वहां भी जो पुण्य की नहीं वजह से मौत हुई, और सत्र का समापन हो रहा है और साहिबगंज से घटना आई। तो इस तरह के महत्वपूर्ण जो जल मार्ग हैं, वहाँ पे अस्थाई रास्ता निकले, अस्थाई हल के लिए सरकार ये निकले, यही इसका विकल्प हो सकता है। सरकार इससे यही निष्कर्ष ले, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दे, उनके प्रति जो है सरकार जो है गंभीर हो। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे माले विधायक विनोद सिंह, जिनका कहना था कि एक महीने तक लंबा सत्र चला है, कई मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन नतीजा देखने वाली बात ये होगी कि सरकार अंतिम निर्णय के तौर पर क्या फैसला लेती है, और युवाओं को चाहे वो नियुक्ति नियमावली को लेकर मामला हो या फिर नई नियुक्तियों का मामला हो, कहाँ तक राहत दे पाती है। कैमरामैन संजय के साथ उदय शंकर, न्यूज 22 स्कोप रांची।